नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पंकज तिवारी। स्वागत है आप लोग का त्रिवेणी कृषि केंद्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में यहां पे हम बात करने वाले हैं उड़द की फसल में खरपतवारों के नियंत्रण को लेकर। किसान भाइयों, यहां पे बात करेंगे सबसे बेहतर दवा कौन सी है और क्या कारण है जो यह अच्छा काम करती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग को बता देता हूँ सबसे पहले ही वीडियो शुरू करने से कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसे अगले किसान भाइयों को जरूर शेयर करें। अगर उन लोग पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप अपने मोबाइल के जरिए उनको दिखा सकते हैं, जिससे कि उन लोगों को पता चले कि उनके खेत में उड़द के फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उड़द की फसल में बेलार 32 एक दवाई आती है जो कि खरपतवार को नियंत्रण करती है, जो कि फसल बोने से 3 दिनों के अंदर ही इसमें स्प्रे किया जाता है। इससे आपके उड़द की फसल में अच्छे तरह का खरपतवार का नियंत्रण होगा। जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती या भतुआ या कोई भी ऐसा खरपतवार नहीं उगेगा अगर आप इसमें अच्छे तरीके से डाल देते हैं तो। अब बात करते हैं किसान भाई इसमें दवाई कौन सी है। तो इसमें पेंडामेथिलीन प्लस इमिजाथाइपर होता है, जिस वजह से इसमें कोई भी खरपतवार नहीं उगते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बेलार 32 जो है वो मूंग में ज़्यादा सफल है। ऐसा बिल्कुल नहीं किसान भाइयों, सोयाबीन, उड़द, मूंग सभी चीज़ों में ये काम करती है। इवन ऐसे फसल, ये दवाइयाँ ऐसी फसलों में डाली जाती है जिनकी शुरुआती तौर पर बढ़वार की स्थिति कम होती है। मतलब आप जैसे देखेंगे कि उड़द हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, ऐसे फसलें जो हैं शुरुआती तौर में इनकी बढ़वार बहुत कम होती है और पौधे बहुत नाजुक होते हैं। कुछ दिनों के बाद इनकी बढ़वार चालू हो जाती है, 20 से 25 दिन के बाद। लेकिन कई बार आप देखेंगे इनकी बढ़वार कम होती है, जिस वजह से आपका खरपतवार जो है बहुत जल्दी ही इसमें अटैक कर देता है और पैदावार कम आती है। किसान भाइयों को कहना था, मुझे एक किसान ने कमेंट करके पूछा था कि उड़द की फसल में सबसे बेहतर खरपतवार नाशक कौन सा है। तो मैं उन किसान भाइयों को बता देता हूं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि पेंडामेथिलीन इमिजाथाइपर जो कि बेलार 32 नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी, बहुत सस्ती आती है और इससे बेहतर कोई भी अभी तक खरपतवार नहीं बना है। इवन आज इसका अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे तो आपके फसल में किसी तरीके का खरपतवार नहीं आएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें मैं आपसे बात करूँगा कि पेंडामेथिलीन इमिजाथाइपर जो है बेलार 32 इसको डालने का तरीका कैसा है और किस कंडीशन के खेत में डालना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तो इस वीडियो में बस यही था आज आपके लिए किसान भाई कि उड़द की फसल में 3 दिनों के अंदर खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए पूरी ओवरऑल फसल में अगर आप अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो आपको दोबारा कोई भी खरपतवार का नियंत्रण नहीं करना पड़ेगा। किसान भाइयों, यही था आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।